सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने फेसबुक के ऊपर सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन कैसे लाएं, यानी कि आप अपने फेसबुक के ऊपर सब्सक्रिप्शन का बटन कैसे लगाएं, ये किनको किनको मिला है, इसके क्या क्या बेनिफिट है, इससे हम कैसे फायदा उठा सकते हैं, इसके क्या क्या क्राइटेरिया है और इसके क्या क्या लाभ है और इससे ऑडियंस को क्या लाभ मिलेगा। अगर ये आपको अभी तक से नहीं मिला है तो इसको तुरंत कैसे लाएं, टोटल का टोटल डिटेल से आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी तरीके आज के इस कमाल के वीडियो को शुरू करें। ये सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर ये सब्सक्रिप्शन बटन है क्या। तो देखिए, जिस प्रकार से YouTube में एक ज्वाइन का बटन होता है ना, ठीक उसी प्रकार से Facebook पे सब्सक्रिप्शन का बटन होता है। अगर आपके ऑडियंस आपको सब्सक्राइब करते हैं तो वो आपको कुछ पैसे पे करेंगे, ठीक है। तो इससे भैया आपको क्या बेनिफिट होगा, तो आपको ये बेनिफिट होगा कि मान लीजिए कि अगर मैं आपको सब्सक्राइब करता हूं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, अगर मान लीजिए मैं आपको सब्सक्राइब करता हूं तो सब्सक्राइब के लिए हमको कुछ पैसे पे करने होंगे, वो पैसे आपको Facebook आपके पे आउट अकाउंट में डाल देगा। अब इससे ऑडियंस को क्या फायदा होगा, तो अगर लोग आपको सब्सक्राइब करते हैं तो उनके लिए आप कुछ स्पेसिफिकेशन वीडियो चला सकते हो, अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग करते हो तो वो आपके कमेंट के ऊपर में शो करेंगे। जैसे कि जो चैनल का मेंबरशिप लिया हुआ रहता है, अगर वो लाइव स्ट्रीमिंग पे कमेंट करता है तो कमेंट हाईलाइट में दिखता है ना, ठीक उसी प्रकार से एक बजट की तरह फेसबुक पे भी दिखेगा। अगर आप चाहोगे तो अपने सब्सक्रिप्शन के लिए कुछ अलग से जो है प्लेलिस्ट बना के रख सकते हो, या फिर कुछ टूल्स लगा के रख सकते हो, या फिर उनके लिए कुछ स्पेसिफिक वीडियो दे सकते हो, या कुछ भी लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान उनके चैनल वगैरह को प्रमोशन कर सकते हो। आखिर अब जान लेते हैं कि आखिर ये किनको किनको मिला है और ये आपको कैसे मिलेगा। इसके लिए भी एक ट्रिक है जो कि मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसका क्राइटेरिया क्या क्या है। तो इसके क्राइटेरिया के लिए अगर आपके फेसबुक पेज के ऊपर या फिर फेसबुक के प्रोफेशनल मोड के ऊपर अगर आपके 10,000 फॉलोअर्स कंप्लीट हो गए, साथ ही साथ आपको 250 रिटर्निंग व्यूअर कंप्लीट करना होगा, उसके साथ साथ आपको 50,000 पोस्ट इंगेजमेंट चाहिए, और फिर आपको 1,80,000 मिनट्स का जो क्राइटेरिया होता है उसको आपको फुलफिल करना होता है। जैसे ही इन चारों क्राइटेरिया को आप फुलफिल करोगे कुछ इस प्रकार से आपको सेटअप का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि भैया हम इसको सेटअप कैसे करेंगे। तो चलिए यहां से मैं अपने मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके आपको सेटअप कैसे करना है वो मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। चल रहा होगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करने के बाद सबसे पहले आपको अपना फेसबुक खोल लेना है। फेसबुक खोलने के बाद जो भी फेसबुक के पेज के ऊपर या फिर फेसबुक के प्रोफेशनल मोड के ऊपर क्राइटेरिया को फुलफिल किया उस पेज को आपको लॉगिन कर लेना है। तो चलिए मैं यहां से अपना एक पेज लॉगिन कर लेता हूं जिसका नाम है हिंदी जरोका, ठीक है। लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है, यहां पे आपको 3 लाइंस पे क्लिक करके आपको अपना प्रोफेशनल मोड में चले जाना। फेसबुक के प्रोफेशनल मोड में जाइएगा तो आपको सिंपली नीचे स्लाइड करना है। नीचे स्लाइड करने के बाद देखिए टूल्स में आपको एक मोनेटाइजेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जैसे ही मोनेटाइजेशन पे क्लिक कीजिएगा तो देखिए आपके सामने एक सेटअप का बटन देखने को मिल जाएगा। जैसे ही आप सेटअप पे क्लिक करोगे तो देखिए आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो यहां से देखिए यू कैन नाउ स्टार्ट अर्निंग मनी विद सब्सक्रिप्शन, मतलब यहां से कह रहा है कि आप अभी पैसे कमाने के लिए स्टार्ट कर सकते हो सब्सक्रिप्शन मोनेटाइजेशन से। और यहां से देखिए आपके सामने कुछ इस प्रकार का 3 ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, प्रिक्टेबल अर्निंग्स, ऑडियंस सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबल बेनिफिट्स, ठीक है। तो यहां से हमको क्या करना है कि सिंपली गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही गेट स्टार्टेड पे क्लिक कीजिएगा तो जितने भी प्रोफाइल से आपने पे आउट सेटिंग को बना रखा होगा या फिर आप जिनके जिनके भी पे आउट एडमिन होंगे यहां से आपके सामने टोटल डिटेल देखने को मिल जाएगा। तो चलिए यहां से आपको क्या करना है कि देख लेना है कि आपको अपना कौन सा अकाउंट है, देन यहां से आपको अपना अकाउंट चूज कर लेना है, ठीक है। अकाउंट चूज करने के बाद सिंपली अगर आपने पहले से पे आउट अकाउंट बना रखा है तो सिंपली आपके सामने यहां पे डन देखने को मिल जाएगा, या फिर अगर आप इसको नया नया क्रिएट कर रहे हो तो सबसे पहले यहां से आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है, फिर लास्ट नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, और यहां से आपको अपना कंट्री सिलेक्ट कर लेना है। कंट्री सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा तो यहां से आपको अपना कंट्री सिलेक्ट करने को रहेगा, उसके बाद आपको बिजनेस टाइप में आपको इंडिविजुअल सिलेक्ट कर लेना है। देन इतना काम करने के बाद जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो यहां से देखिए आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। फिर से आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है, फिर ठीक है अगर आपका मिडिल नेम है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको अपना लास्ट नेम डालना है। फिर यहां से डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है, यहां से आपको अपना प्राइमरी एड्रेस सिलेक्ट करना है, फिर यहां से आपको सिटी सिलेक्ट करना है, फिर यहां से आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना है। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद यहां से देखिए आपके सामने जिप कोड आने की आपको अपना पिन कोड देना है। पिन कोड डालने के बाद यहां से आपको अपना फोन नंबर देना है। फोन नंबर डालने के बाद देखिए यहां से आपको अपना मेल आईडी दे देना है, ठीक है। मेल आईडी देने के बाद यहां से देखिए आपको मोर ऑफ द इंपॉर्टेंट यहां से आपको अपना पैन कार्ड का नंबर डालना है, ठीक है। पैन नंबर डालने के बाद यहां से एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, VST यानी GST रजिस्ट्रेशन नंबर। तो ये ऑप्शनल होता है और आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होगा भी नहीं तो सिंपली इसको ऐसे ही छोड़ देना है। इसको ऐसे ही छोड़ने के बाद यहां से जो है देखिए आपके सामने कुछ इस प्रकार का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो यहां से गुड पे क्लिक करके सिंपली आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है।
देखिए जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से आपके सामने दो ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, मैनुअली लिंक द बैंक एंड पेपल अकाउंट। तो अगर आपके पास पेपल अकाउंट है तो इसको ऐड कर लीजिएगा, या फिर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मैनुअली लिंक द बैंक पे क्लिक कर दीजिएगा। तो जैसे ही मैनुअली लिंक द बैंक पे क्लिक कीजिएगा तो सबसे पहले आपको यहाँ से आपको अपना बैंक डिटेल डालना है, ठीक है। तो बैंक कंट्री में आपको अपना इंडिया सिलेक्ट कर लेना है, यानी कि आप जिस भी कंट्री से हो आपको अपना कंट्री सिलेक्ट कर लेना है। कंट्री सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको अपना अकाउंट होल्डर नेम डालना है। जैसे ही अकाउंट होल्डर नेम डालिएगा तो यहां से आपको क्या खोजेगा, स्विफ्ट कोड। तो आपको क्या करना है, स्विफ्ट कोड आपको कहां से मिलेगा भैया, तो आपको क्या करना है कि जिस भी बैंक के अंदर आपका अकाउंट है उस बैंक में जाना है। बैंक में जाने के बाद बोलना है कि मैं यूट्यूब चलाता हूं और मेरा पेमेंट बाहर से आता है, इसीलिए वहां पे आपको स्विफ्ट कोड का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो प्लीज आपको अपना बैंक जाकर, ठीक है, बैंक वाले से स्विफ्ट कोड मांगना है, ठीक है। ऐड करने के बाद यहां से आपको अपना अकाउंट नंबर डालना है। अकाउंट नंबर डालने के बाद लिंक पे आउट मेथड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही लिंक पे आउट मेथड पे क्लिक कीजिएगा तो देखिए आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, ऐड टैक्स एंड ऐड टैक्स लेटर। तो जैसे ही ऐड टैक्स इंफॉर्मेशन कीजिएगा तो यहां से जो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, वहां से आपको डब्ल्यू एड बेन फेसबुक भरने को बोलेगा। जैसे ही यहां पर आइएगा तो आपके सामने, तो देखिए आपके सामने जो है आपको पेमेंट चूज करने को बोलेगा, यानी कि मंथली सब्सक्रिप्शन प्राइस आप कितना रख सकते हो। तो भैया आपको जिस हिसाब से आप अपने ऑडियंस के लिए कंटेंट वैल्यूएबल प्रोवाइड करवाते हो, ठीक है, उसी प्रकार से आप अपना जो है सब्सक्रिप्शन चार्ज रख लीजिए, पे क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा तो देखिए आपके सामने आपका पूरा का पूरा बजट देखने को मिल जाएगा, ठीक है, बजट खुल के आ जाएगा। तो ठीक है, तो यहां से भैया आप अगर अपने सब्सक्राइब के लिए सब्सक्राइब करवाते हो तो आप उसको क्या प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। तो यहां से देखिए आपके सामने बहुत सारे जो है ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो एक्सक्लूसिव कंटेंट, डिस्काउंट, लाइव वीडियो, सब्सक्राइबर ग्रुप, ऐसे वैसे करके आपके सामने ढेर सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो चलिए मैं यहां से एक्सक्लूसिव वीडियो, लाइव वीडियो, ठीक है, सब्सक्राइबर ग्रुप, ठीक है, रिकॉग्नाइज पोस्ट, हाइलाइट्स, कमेंट, ठीक है, यहां से जो भी आपको ऑप्शन, जो भी आप अपने ऑडियंस के लिए बेनिफिट देना चाहते हो, यहां से आपको वो ऑप्शन चूज करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा, यू आर ऑल सेट, मतलब कि आपने ऑल सेट कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, सेट अप योर अकाउंट एंड देखिए सेकंड ऑप्शन जो है रिकॉर्ड योर प्रमोशन वीडियो, ठीक है। तो यहां से डन पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे ही डन पे क्लिक कीजिएगा देखिए फाइनली मेरा जो है सेटअप सब्सक्रिप्शन वाला ऑप्शन कंप्लीट हो गया है भैया। तो अब हमको क्या करना है, अब हमको अपने ऑडियंस के लिए वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड करवाना है, देन उनको बोलना है कि सब्सक्राइब करो। वो अगर 199 रुपए का सब्सक्राइब करते हैं तो वो मुझे पैसा आएगा और मैं उनको 199 रुपए का बदले कुछ वैसा कंटेंट को प्रोवाइड करवाना होता है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।